खेलते हैं अभी। इतना देर कॉलेज का वीडियो लेक्चर हो गया, अभी ये करेंगे। ठीक है, अभी देखो ना मैम, मेरा ऐसा आ रहा है क्योंकि बहुत सारा दिन से खेल रहा हूँ ना, इसलिए वो बॉक्सेस ज़्यादा है। तो मैं जाऊँगा इधर पे, वो होल्ड क्या बोलते हैं, होल्ड सेलेक्ट टेबल। आई थिंक आपने लकी बोनस ये स्पिन किया था, वॉच फॉर फ्री स्पिन, करेक्ट है ना? तो एवरी 4 आवर्स में एक बार फ्री स्पिन आता है, फ्री पैसा मिलता है। ठीक है, अभी मैं सेलेक्ट टेबल। ठीक है, सो 2.5 मिलियन और 5 मिलियन, दैट मीन्स अगर आपने पैसा डाला 5 मिलियन, अगर आप कैंसिल भी किया ना, आपका 2.5 मिलियन कट होता है। तो मैं सबसे कम रखता हूँ, दैट इज़ 5,000 एंड 10,000। अब देखो, ऑटो रीबाई बोले तो समझो आपका पैसा सब हार गए, समझो आप लेके जा रहे हो 10,000 रुपये और हार गए, तो आपको वापस आके फिर से पैसा लेके जाने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 10,000 वापस आपके उसी टेबल पे आ जाता है। और बाई इन एट मैक्स, मतलब मैक्सिमम 5 मेंबर्स, ये इंक्रीज़ भी कर सकते हो, मतलब ज़्यादा लोग बैठेंगे एक टेबल पे, बट 5 इज़ गुड नंबर है। ठीक है, तो अभी मैं प्ले नाउ प्रेस करता हूँ। प्रेस किया ना रे बाबा। हमारा नेट स्लो है, देखते हैं। ओके, सो अभी मैं इधर ये जो एरो मार्क दिख रहा है ना, वो प्रेस किया तो मिलता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो धनंजय आ गया, तो ये मेरा टेबल है, 5 लोग खेल रहे हैं, तो अभी चल रहा है, तो इसलिए मेरे को वेट करना पड़ेगा। देखो अभी स्टार्ट हुआ, और मेरा कार्ड है 10 और J। अब देख सकते हो, अगर पहले ऑलरेडी 10,000 मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली अभी आप फोल्ड बोल के है ना, अगर आपने क्लोज भी किया ना तो जाएगा। अभी देखो वो टाइम आउट हो रहा है, अगर उससे पहले मेरे को चेक प्रेस करना गया, इसको इधर रखता हूँ। ठीक है, अभी देखो फोल्ड है, चेक है। ठीक है, अभी देखो Q67 आया, मेरा 10 और J है, तो तुरंत देखना है, क्यू है मेरे पास, जे है, और उसके बाद 10 है, 3 कार्ड है। अगर समझो 9 और 8, बाकी 2 कार्ड में 9-8 आया, तो मेरा सीरीज बन सकता है, करेक्ट है? तो किसी ने इंक्रीज़ किया, 25,000 डाला, चाहे तो मैं 25,000 डाल दिया, नहीं तो चाहे तो फोल्ड प्रेस कर सकता था, तो उनको लगेगा मेरे पास क्यू या सिक्स या कुछ तो रहेगा। देखो कुछ सिर्फ 3 लोग बचे, 2 लोग फोल्ड कर दिया पहले ही, उनको लगा कि नहीं, अरे बाप रे ये आया, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कार्ड है, तो रिस्क ले सकता हूँ, नहीं तो मैं चेक किया, चेक बोले तो पैसा नहीं बढ़ा रहा हूँ बट गेम में रुक रहा हूँ। अभी देखो वो भी चेक किया, तो मैं भी फिर से चेक करने वाला हूँ। चाहता तो मैं इंक्रीज़ भी करता था, कर सकता था, वो ब्लफ हो जाता था, उन बाकी लोगों को लगता था कि मेरे पास, ये देखो इसने क्या सीखा, 2 पेयर A और 6, आपने देखा क्या, वो 5 कार्ड में 2 A था और 1 6 था, तो इस बंदर के पास 6 था, तो 5 कार्ड में 2 कार्ड, एक ने कार्ड निकाल के उसका 6 डाल सकते हैं। तो मैं अभी के लिए फोल्ड करता हूँ, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास 10 था और टेबल के ऊपर भी 10 आया है, तो मैं एक्चुअली गेम नहीं खेला, नहीं तो 10-10 एक पॉइंट, मतलब जीतने का चांसेस था। देखते हैं, अगर किसी के पास जे या के और ये 10 से भी बड़ा है, किसी के पास ये कार्ड रहता तो वो जीतेंगे, किसी के पास के रहता तो वो भी जीतेंगे। अभी देखते हैं कि कौन जीतेगा। अभी ओपन होगा कार्ड, देखो इसके पास ये था, ये जीतेगा बट स्ट्राइट है, एज किंग क्वीन जोकर 10, तो उसके पास सीरीज था। देखो मेरा सेम, मैं खेलता हूँ, अच्छा नंबर नहीं है, 3 और 7 बहुत कम नंबर्स है, बट आप सिंबल देखो, दोनों क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं है उसको क्या बोलते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, किसी ने बढ़ाया, 10,000 का था बट 55,000 डाल दिया उसने, 45,000 बढ़ाया, मैं भी डाल रहा हूँ। अभी देखो 3-7 टेबल के ऊपर देखो ना, किंग क्वीन 5, कुछ यूज ही नहीं है, अगर मैं खेला तो हारूंगा। और ये भी बंदा अभी 175,000 डाला,
तो मेरे को फोल्ड प्रेस करता हूँ, मतलब आई एम आउट ऑफ द गेम। और नीचे ना आपके कार्ड के नीचे एक बार आता है, दैट शोज़ कि आपका मतलब जीतने का चांसेस कितना है। अभी नेक्स्ट गेम में दिखाई देगा, देखो हाँ अभी देखो टू और क्यू ब्लू लाइन दिख रहा है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं है। क्यू अच्छा कार्ड है बट दो बहुत कम हो गया, देखते हैं मैं 10,000 डाल के रखता हूँ। अब देखो मेरा टू है, उधर भी टू है, ठीक है, बट देखते हैं किसी के पास अगर 10 रहता है तो 3 कार्ड हो जाएगा, फिर भी मैं चुपचाप ऐसे ही खेलता हूँ, ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं। अभी देखो मैं क्या करूँगा, एक बढ़ाऊँगा खामखाम, 10,000 बढ़ाया तो ये भी बढ़ाया, मतलब उसके वो ब्लफ भी हो सकता है या उसके पास 10 नंबर भी हो सकता है, देखते हैं। देखो ये डर गया और क्लोज़ कर दिया, नहीं मेरे पास कुछ चांसेस नहीं। आप देख सकते हो ब्लू लाइन बहुत कम बढ़ रहा है, मतलब जीतने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 10 है, दो नंबर से ज़्यादा 10 भी है, किसी के पास 10 है तो मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो वो जीतेगा। देखते हैं इन दोनों में किसके पास कौन सा नंबर है, किसी के पास 10 है क्या या 6, 3 भी हो सकता है। वो पांच कार्ड में मेरा नंबर सबसे कम वाला था, देखो उसने भी फोल्ड किया तो ऑटोमेटिकली ये जीत गए। वन सेकेंड, मेरा नंबर अच्छा नहीं है, 10 और 3। अभी देखो फिर से बढ़ाया, अरे यार फिर से एक भी नंबर नहीं है, बट चेक करता हूँ, ठीक है। अभी देखो किंग जोकर है और 10 है, तो देख सकते हैं कुछ सीरीज आएगा क्या। देखो 3 आया तो मेरा लाइफ लाइन तो थोड़ा बढ़ गया, मतलब ब्लू कलर बढ़ गया चांसेस, देखते हैं। अगर और एक 3 आया तो और भी अच्छा, क्योंकि 3 कार्ड सेम हो जाएगा, नहीं यूज़ नहीं है, ठीक है मैं बढ़ाऊँगा नहीं। देखो बढ़ा भी सकते हो इधर से, देखो ऐसा, ठीक है बढ़ा दिया मैं 10,000, देखते कौन बढ़ाएगा। हारने वाला हूँ क्योंकि 3 नंबर बहुत कम है। देखो उसके पास जेता, मेरे पास 3, तो ऑब्वियसली वो जीतेगा। देखो 5-3 नंबर सीरीज आने का चांसेस रहता है और डायमंड है दोनों, देखते हैं। ऐसे नहीं कि आपको स्टार्टिंग 10,000 ही डालना है, और ज़्यादा भी डाल सकते हो। देखो 2 डायमंड आया और मेरे पास 2 डायमंड, और एक डायमंड भी आया ना तो फ्लश होगा मेरा, मतलब मैं जीतूँगा। आप ब्लू कलर का मेरा वो बार देखते रहो, नहीं मेरे को आना है। अरे ये बंदा पूरा खेल रहा है, मैं एक काम करूँगा मैं पूरा पूरा ऑल इन जाऊँगा, मतलब मेरे पास जितना पैसा है वो सब डाल दिया, नहीं गया सिर्फ 3-3। देखो मेरा 3-3 और उसका 9-9, वो जीतेगा। आप देख सकते हो 9-9-9, 3 कार्ड हो गया, नहीं तो मैं पूरा पैसा आ गया, बट मेरा 10 लाख मैंने रीबाई किया था ना ऑटोमेटिकली मेरे टेबल पे आ जाता है। तो ये लास्ट गेम है, तब रिकॉर्डिंग बंद कर। अभी देखो मेरे पास किंग है, 3 कार्ड में किंग आया, उसके बदले में क्यू और 2 है, तो सबसे ज़्यादा किंग ही है। तो अभी ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो मेरा जो जीतने का चांसेस है ना थोड़ा ज़्यादा है, देखते किसी के पास किंग भी हो सकता है, अभी तक तो मैं जीतने का चांसेस बहुत है, देखते हैं अभी क्या करेंगे। लास्ट कार्ड क्या, ये देखो 50,000 बढ़ाया, तो वो मे बी ब्लफ कर रहा है कि मेरे पास बेटर कार्ड है ऐसा कुछ, तो हम भी देखेंगे। नहीं देखो मेरा सिर्फ चांसेस है कि किसी के पास किंग नहीं रहना चाहिए, या देखते ये बंदा पूरा डालेगा, ये मोस्टली क्या कर रहा है, मोस्टली डरा रहा है लगता है, चेक करते हैं। नहीं तो 2 कार्ड हो सकता है उसके पास, 7 और 8, किंग क्वीन हो सकता है। देखो उसके पास किंग और क्वीन दोनों था, मेरे पास सिर्फ किंग था, तो वो जीतेगा मैं हारूंगा। खूब समझ में आ रहा है, ऐसे जीतने का ना बहुत सारा चांसेस है। मैं ये काम करूंगा, फोल्ड करके वापस जाऊंगा एग्जिट लॉबी, ठीक है। इसमें ना और एक इसमें ना मतलब कौन सा ये वाला है, क्या बोलते हैं, कंटेंट फॉर हैंड रैंक्स एंड स्ट्रेंथ मीटर कस्टमर गेम ऑप्शन वाइब्रेट साउंड, रुको इधर कुछ तो है, नहीं ये नहीं, इसमें कहीं पे एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि मतलब कौन सा आपने कौन सा हाईएस्ट है,
इन दीस टफ टाइम्स इट्स वेरी ठीक है. अभी देखो एंड रैंक्स, ये देखो रॉयल फ्लश दिख रहा है. रॉयल फ्लश बोले तो एज किंग क्वीन जोकर 10. सो द रॉयल फ्लश मतलब सीरीज भी है एज किंग क्वीन जोकर 10 और सब कार्ड्स मतलब हार्ट शेप में वो क्या बोलते हैं दिस इज रॉयल फ्लश बिकॉज सीरीज प्लस फ्लश सेम कार्ड्स क्या बोलते हैं शेप का. बट रॉयल इसलिए बोलते हैं कि उसमें भी एज किंग क्वीन जोकर 10 जो हाईएस्ट कार्ड्स है वो है. सेकेंड वन इज स्ट्राइट फ्लश. आप देख सकते हो लाइक 9, 8, 7, 6, 5 सब डायमंड्स. ऐसा नहीं कि डायमंड से रहना चाहिए, ऊपर वाला सिर्फ हार्ट से रहना चाहिए, कोई भी शेप सेम रहना चाहिए. स्ट्राइट फ्लश में 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे भी आ सकता है. फोर ऑफ ए काइंड आप देख सकते हो. फोर ऑफ ए काइंड इज ये वाला, ऐसा चार कार्ड सेम रहेगा. ठीक है. फुल हाउस, फुल हाउस बोले तो तीन एक कार्ड होगा, दो एक कार्ड होगा. एस 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 किंग किंग नहीं तो 7, 7, 7, 3, 3 कुछ भी हो सकता है. ये हाईएस्ट रैंकिंग के ऊपर है. मतलब हाईएस्ट वाला इज रॉयल फ्लश, सेकंड वन इज स्ट्राइट फ्लश, फोर्थ थर्ड वन इज फोर ऑफ ए काइंड, बाद में फुल हाउस, देन फ्लश, नॉर्मल फ्लश. कोई भी नंबर रहने दो बट सिंबल सेम. स्ट्राइट एस 2, 3, 4, 5 या 2, 3, 4, 5, 6 या 4, 5, 6, 7, 8 देन थ्री ऑफ ए काइंड. एस 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 देन टू पेयर. एस एस किंग किंग या पेयर. एस एस किंग क्वीन जोकर हाई कार्ड. कुछ भी नहीं है किसी के पास, कोई भी कार्ड मैच नहीं हो रहा है. सब अलग अलग कार्ड था पांच लोगों के पास, बट जिसके पास हाईएस्ट कार्ड रहेगा वो जीतेगा. समझो सब के पास कुछ ना कुछ कार्ड था, आपके पास एस था तो आप जीत सकते हो. ठीक है. ये ना आपको कहाँ मिलेगा पता है? इधर सेटिंग्स प्रेस करो, उसमें हैंड रैंक्स बोल के है उसको प्रेस करो, ये मिलेगा आपको. ये पता चलेगा दिस इज़ द जीतने का ऑर्डर. ठीक है. अगर आपके पास समझो फ्लश था बट किसी के पास फुल हाउस था तो वो जीतेगा. ठीक है.